और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले तोहफों की नीलामी एक बार फिर शुरू हो गई है। ये प्रधानमंत्री मोदी के तोहफों के ई ऑक्शन का पांचवा एडिशन है। इनमें कुल 912 उपहारों को रखा गया है। ये वो उपहार हैं जो पिछले एक साल में प्रधानमंत्री को देश विदेश में मिले हैं। ये पेंटिंग्स, ये कलाकृतियाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले तोहफे हैं, जिन्हें आप भी अपने घर में सजा सकते हैं। अब आप भी प्रधानमंत्री को करीब से महसूस कर सकते हैं उन्हें मिले तोहफों को घर लाकर। दरअसल पीएम मोदी को देश विदेश से मिले तोहफों की ई नीलामी एक बार फिर शुरू हो गई है, जो उन्हें देश विदेश की यात्राओं के दौरान यादों के तौर पर मिले हैं। संस्कृति मंत्रालय की ओर से दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में इनकी प्रदर्शनी लगाई गई है। आज हम मौजूद हैं मॉडर्न आर्ट गैलरी में, जहां पर उन सारे मोमेंटो, उन सारे गिफ्ट्स को रखा गया है जो कि प्रधानमंत्री को आज तक मिले हैं, और आज से इनका ई ऑक्शन शुरू हो रहा है, ई नीलामी शुरू हो रही है। मतलब आम लोग प्रधानमंत्री को दिए गए गिफ्ट्स, पेंटिंग्स और मोमेंटोस को खरीद सकते हैं उस ई ऑक्शन में हिस्सा लेकर। इस बार ई नीलामी के लिए 912 उपहारों को रखा गया है, जिसमें मोढेरा सूर्य मंदिर और चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ जैसी कई प्रतिकृतियां शामिल हैं। वहीं पीएम मोदी की अपनी मां के साथ की पेंटिंग भी है, बापू का चरखा भी है, शिवाजी की मूर्ति भी और G20 की यादें भी। इन उपहारों की कीमत 100 रुपए से लेकर 64 लाख रुपए तक है। मतलब यहाँ सबके लिए कुछ न कुछ जरूर है। ये मोमेंटो है जो कि डिजिटल प्रिंट ऑफ आइडल ऑफ गॉडेस काली, कलीघट टेंपल में ये प्रधानमंत्री को दिया गया था, और इसकी कीमत यहाँ पर सिर्फ 100 रुपए रखी गई है। मतलब शुरुआती कीमत ये 100 रुपए है। जब आप ई ऑक्शन की प्रक्रिया में भाग लेंगे तो शायद बोली लगते लगते इसकी भी कीमत हजारों में या फिर लाखों में पहुंच सकती है। ये पांचवी बार है जो प्रधानमंत्री को मिले तोहफों को नीलामी के लिए रखा गया है, और अब तक 7,000 से ज्यादा कलाकृतियों को नीलामी के लिए रखा जा चुका है। सब कलाकृतियां हैं जिसमें टेक्सटाइल्स, कपड़े, वस्त्र भी हैं, पेंटिंग्स भी हैं, स्कल्पचर्स भी हैं, मूर्तियां भी हैं, कई तरीके की कलाकृतियां। तो पेंटिंग खाली है ऐसा नहीं है, और हर एक अलग अलग तरीके से बनाई गई चीजें हैं। तो उसके चलते एग्जैक्ट पेंटिंग्स कहना कठिन होगा, लेकिन 7,000 से ऊपर कलाकृतियां जो हैं अब तक पिछले 5 एडिशंस के अंदर हम लोग ई ऑक्शन के माध्यम से दे चुके हैं, और ये भारत सरकार का एक प्रमुख स्कीम है जिसके तहत ये कार्य किया जा रहा है। ये ई नीलामी 31 अक्टूबर तक चलेगी, और प्रधानमंत्री के तोहफों के ऑक्शन से मिले पैसे का इस्तेमाल नमामि गंगे प्रोजेक्ट में होगा। हालांकि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी पीएम मोदी अपने तोहफों की नीलामी करते रहे हैं। फर्क ये है कि तब जो पैसे मिलते थे उनका इस्तेमाल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के लिए होता था। बहुत खास मौका, और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर 100 रुपए से लेकर 68 लाख तक का आइटम है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो लोग गरीब हैं या जो मिडिल क्लास है उनके हिस्से कुछ नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए उन्हें ऑक्शन में हिस्सा तो लेना ही पड़ेगा। कैमरामैन चैलेंज के साथ मनीष अरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।